चलिए आगे बढ़ते। चटनीगढ़ में मेयर, सीनियर डेप्टी मेयर और डेप्यूटी मेयर पद पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया है। इन तीनों पदों पर बीजेपी का सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी के साथ था और मेयर पद पर बीजेपी के अनूप गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के जसबीर सिंह को शिकस्त दी। इस दौरान अनूप गुप्ता ने कहा कि पहले से ही स्पष्ट था कि भारतीय जनता पार्टी की मेयर पद का चुनाव जीतेगी, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव भी है तो उसका सीधा असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ने वाला है। वहीं अनूप गुप्ता ने कहा कि उनकी प्राथमिकता रहेगी कि चंडीगढ़ को विकास की ओर ले जाया जाए। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में कुल 35 पार्षद हैं, लेकिन कांग्रेस के 6 पार्षदों की तरफ से चुनाव में हिस्सा नहीं लिया गया। मेयर पद पर कुल 29 वोट पड़े। आम आदमी पार्टी के 14 पार्षदों की वोट आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जसवीर सिंह के खाते में गई, वहीं बीजेपी के खाते में 15 वोट्स गए। एक वोट चंडीगढ़ की सांसद भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने से यहाँ पर मेयर पद पर कब्जा भारतीय जनता पार्टी का हो गया। चंडीगढ़ में मेयर पद पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया है। इस वक्त मेरे साथ नवनियुक्त मेयर अनूप गुप्ता जी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू जी। थैंक यू। आठवीं बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने मेयर पद पर कब्जा किया है, किस तरीके से देखते हैं अपनी इस जीत को? और क्योंकि दोनों ही पार्टियों के पास 14-14 वोट थे, अगर किरण खेर जी की वोट को हटा दे, दिल में कुछ ऐसी शंका थी कि क्या पता जीत ना हो? नहीं, कोई शंका नहीं जी। हमें पहले दिन से आश्वस्त है कि हमें अपनी पार्टी की पूरी वोट पड़ेंगे और पूरी वोट पड़ेगा और हम जीतेंगे। पहले दिन से आश्वस्त है, पिछले साल भी जीते, इस साल भी जीतेंगे और अगले 3 साल भी हम जीतेंगे। सर, मेयर पद के अलावा 2 और सीटों पर कब्जा किया है, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पर। अब किस तरीके से आप लोग चलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा दायित्व आप लोगों के ऊपर भी रहने वाला है? देखिए, मैं पिछली बार भी डिप्टी मेयर था, तब भी हमने सारे काम मेयर के साथ मिलकर करें, तो इस मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, डिप्टी मेयर भी मेरे साथ मिलकर शहर के विकास के लिए काम करेंगे। क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं, महज 1 साल का वक्त है, सेमीफाइनल के तौर पर इस चुनाव को देखा जा रहा था, बहुत बड़ी जीत, क्या मायने हैं जीत के? देखिए, ये जीत अपने आप में मायने रखती है, क्योंकि अगले साल लोकसभा इलेक्शन है। और वैसे भी मैंने आपको बताया, पिछले साल भी हमारा मेयर था, इस साल भी मेयर है, तो ये तो कंफर्म था कि हम ही मेयर बनेंगे बीजेपी का। तो और हम इस साल जो भी काम को गति देंगे ताकि आगे आने वाले इलेक्शन में हमें उसका फायदा मिले। लगता है लोकसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा? देखिए, असर हर इलेक्शन में पड़ता है, हम जीते हैं तो इसका असर जरूर पड़ेगा। प्राथमिकताएं क्या रहेगी सर? प्राथमिकता गांव को डेवलपमेंट करना, जो गांव हमारे पास अभी आए थे उसके अंदर सारा काम टेंडर अलॉट हो चुके हैं, उसमें गति लाना, प्लस गार्बेज कलेक्शन को इम्प्रूव करना और कूड़े का पहाड़ को जल्दी से, गार्बेज डंप को खत्म करना और वेट वेस्ट का नवा प्लांट लगाना। धन्यवाद सर। अनूप गुप्ता जी को आपने सुना, जो चंडीगढ़ के नवनियुक्त मेयर चुने गए हैं। और इसी के साथ सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद पर भी भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया है और ये 8वीं बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ मेयर पद पर कब्जा किया है। और इस चुनाव को एक तरह से सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा था, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं, जिस पर सीधा असर इसका पड़ेगा। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।